ये दास्तां है एक बड़े ही जबरदस्त कलाकार सुदेश बैरी की, जिन्होंने अपनी शुरुआत तो फिल्मों से की, लेकिन बाद में फिल्मों से हटके टेलीविजन की दुनिया में ये बेहद मकबूल हुए और टेलीविजन की दुनिया की एक नामी हस्ती बने। इनका जन्म हुआ 20 जुलाई सन 1960 को, जगह रही मुंबई शहर। इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई साल 1982 में। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सुदेश बैरी ने साल 1982 की शॉर्ट फिल्म तड़प से की थी। इस फिल्म में इनके साथ एक्टर विजेंद्र घाटगे, भारत भूषण, नवीन निश्चल, टॉम अल्टर, बीना बनर्जी, नीलम मेहरा और जरीना वहाब नजर आए थे। इस फिल्म में सुदेश बैरी ने प्यारे नाम के बस्ती में रहने वाले एक टपोरी लड़के की भूमिका निभाई थी। और ये है प्यारे, जब तक दिन में एक दफे लफड़ा न कर ले भाई को रात भर नींद नहीं आती। बाबूजी को छोड़ दो, नहीं तो हम उन्हें खुद छुड़ा कर ले जाएंगे। यार तो हमेशा लफड़े की बात करता है। दद्दू, लफड़ा किए बिना कोई सुनवाई नहीं होती। वैसे सुदेश बैरी के एक्टिंग करियर की शुरुआत तो साल 1982 में ही हो गई थी, लेकिन इनकी साल 1982 की फिल्म तड़प सेंट्रल बोर्ड में अटक गई और तकरीबन 8 साल बाद इस फिल्म के कुछ सीन कट करने के बाद साल 1990 में इस फिल्म को रिलीज किया गया था, जिस वजह से इस फिल्म से सुदेश बैरी को कोई फायदा नहीं पहुंचा। सच्चाई को सफाई की दरकार नहीं, पर ये तुम लोग नहीं समझोगे। इस फिल्म के बाद बेहद लंबा इंतजार करने के बाद सुदेश बैरी साल 1988 की फिल्म खतरों के खिलाड़ी का हिस्सा बनी। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र, संजय दत्त और चंगी पांडे जैसे एक्टर लीड रोल में नजर आए थे और इस फिल्म में भी सुदेश बैरी की भूमिका कुछ खास नहीं थी। इसी तरह सुदेश बैरी साल 1990 की फिल्म हिसाब खून का इस फिल्म में भी नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने विलन के हिंचमैन के तौर पर इस फिल्म में काम किया था, लेकिन साल 1990 में एक फिल्म आई जो के साल की सेकंड ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इस फिल्म से सुदेश बैरी के चेहरे को अच्छी खासी पहचान मिल पाई थी। ये फिल्म थी सनी देओल की फिल्म घायल। इस फिल्म में सुदेश बैरी जेल में सजा काट रहे एक कैदी की भूमिका में नजर आए थे, जो बाद में सनी देओल के साथ इस जेल से भागने के बाद सनी देओल के ग्रुप का साथी बन जाता है। 5 साल हो गए इस नर्क में झुलसते हुए, 5 साल। हाथ मिला ले दोस्त। इस फिल्म में सुदेश बैरी सनी देओल के साथ इस फिल्म में बहुत ही शानदार एक्शन करते दिखाई दिए थे। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से सुदेश बैरी के नए चेहरे को अच्छी खासी पहचान मिल पाई, जिसकी वजह से अच्छी तरह से सुदेश बैरी फिल्म मेकर के नजरों में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। यही वजह रही कि साल 1992 की फिल्म वंश में सुदेश बैरी मेन लीड में हीरो के तौर पर नजर आए। साल 1992 की फिल्म वंश दो सौतेले भाइयों की कहानी पे आधारित फिल्म थी। इस फिल्म में सिद्धार्थ रे और सुदेश बैरी सौतेले भाई बने एक दूसरे के साथ अपनी आपसी रंजिश निकालते और एक दूसरे के साथ दुश्मनी निभाते दिखाई दिए थे। सिद्धार्थ कृष्णकांत धर्म अधिकारी। कृष्णकांत कौन है? कृष्णकांत मेरे पिताजी का नाम है। तुझे कैसे मालूम वही तेरा बाप है? इस फिल्म में सुदेश बैरी अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ एक इंस्पेक्टर की भूमिका में नजर आए थे। इसी तरह एक और फिल्म युद्धपात में एज अ हीरो उन्होंने काम किया। हालांकि बतौर मेन लीड इनकी फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे कोई खास कमाल नहीं दिखा रही थी और बुरी तरह फ्लॉप होती जा रही थी, और दूसरी तरफ फिल्मों के साथ साथ ये टेलीविजन से भी जुड़ गए थे। एज अ फिल्म एक्टर उन्हें ज्यादा सफलता तो नहीं मिल पा रही थी, लेकिन टेलीविजन की दुनिया की ये 80 के दशक के आखिरी सालों में और 90 के दशक के शुरुआती दौर में ही टेलीविजन की दुनिया की एक नामी हस्ती बन चुके थे। इसी वजह से ये फिल्मों से ज्यादा बतौर टेलीविजन एक्टर ज्यादा काम करने लगे और साथ ही साथ सुदेश बैरी कुछ बड़ी बजट की फिल्मों में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आने लगे और छोटी बड़ी सभी तरह की फिल्मों में ये कैरेक्टर आर्टिस्ट से लेकर सभी तरह के रोल करने लगे। बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट ये साल 1993 की फिल्म कायदा कानून, साल 1995 की फिल्म पुलिस वाला गुंडा और साल 1995 की फिल्म वीर गति जैसी फिल्मों में नजर आए। इनकी साल 1996 की फिल्म आर्मी को कौन भूल सकता है, जिसमें सुदेश बैरी श्रीदेवी के एक छोटी सी आर्मी के आर्मी मैन बने नजर आए थे। ये बात भी गौर करने लायक है, ज्यादातर फिल्मों में सुदेश बैरी इंस्पेक्टर या आर्मी मैन के ही किरदार में नजर आए। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार थी, जिसकी वजह से एक आर्मी मैन या इंस्पेक्टर की वर्दी में ये बहुत सूट होते थे, इसलिए फिल्म मेकर जब भी कोई फौज से रिलेटेड फिल्म बनाते, इस फिल्म में सुदेश बैरी को एक फौजी के तौर पे लगभग इस फिल्म में जरूर लिया जाता और ये वार या मिलिट्री संबंधित फिल्मों में नजर आ ही जाते थे।
इसी तरह सुदेश बैरी फौजी बने नजर आए साल 1997 की फिल्म बॉर्डर में, 2002 की फिल्म रेफ्यूजी में, 2002 की फिल्म माँ तुझे सलाम में, 2003 की फिल्म बॉर्डर हिंदुस्तान का में, साल 2003 की फिल्म एलओसी कारगिल में और 2005 की फिल्म टैंगो चार्ली में, जिसमें से ये डायरेक्टर जेपी दत्ता की बहुत सी फिल्मों का हिस्सा बने, क्योंकि डायरेक्टर जेपी दत्ता ही बॉलीवुड में वार और मल्टी स्टारर फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। फौजी सबसे अलग होता है, एकदम अलग। उसके सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, मातृभूमि की इज्जत, मातृभूमि की सुरक्षा। एज अ हीरो तो सुदेश बैरी को फिल्मों से ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्हें बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली। अपने फिल्मी करियर में उन्होंने लगभग 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें मकबूलियत फिल्मों से नहीं बल्कि टेलीविजन के धारावाहिक से मिली। ये 90 के दशक से ही टेलीविजन की दुनिया की एक बहुत ही बड़ी नामी हस्ती बन चुके थे। उन्होंने हमेशा टेलीविजन की दुनिया में धूम मचाए रखा। अपनी शुरुआत में उन्होंने साल 1988 की बीआर चोपड़ा साहब की बड़ी ही मकबूल और एपिक टेलीविजन सीरीज महाभारत के लगभग 93 एपिसोड में काम किया। 1988 की महाभारत में सुदेश बैरी ने विचित्र वीर्य की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें इस किरदार के चलते घर घर में प्रशंसा मिली थी। इसके अलावा ये साल 1992 के कशिश नाम की टीवी सीरीज में भी नजर आए और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और टेलीविजन की एक से बढ़कर एक धारावाहिक में ये नजर आए। चाहे वो धारावाहिक साल 1996 का बहुत ही लोकप्रिय धारावाहिक युग रहा हो, या साल 1995 की आहट, या फिर साल 1995 की मोहिनी, या साल 1999 की सुराग। सब टीवी फाउंडर श्री अधिकारी भाइयों के निर्देशन में बनी साल 1999 की टीवी सीरियल सुराग उस दौर में दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक में से एक रही। साल 1999 की सुराग मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर से भरपूर थी। इस टीवी सीरियल में सुदेश बैरी सीआईडी ऑफिसर इंस्पेक्टर भारत के किरदार में नजर आए थे, जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया था। अगर आप भी 90s के जमाने में पले बड़े हैं तो आपने भी ये टीवी सीरियल जरूर देखी होंगी। इसी तरह सुदेश बैरी 2009 के जी टीवी पे आने वाले बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो के लगभग 423 एपिसोड में नजर आए। 2009 के अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो धारावाहिक में सुदेश बैरी लोहा सिंह का किरदार निभाते नजर आए थे और इनके ठाकुर लोहा सिंह के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सुदेश बैरी 2013 के देवों के देव महादेव, 2015 की सिया के राम, 2016 की शक्ति अस्तित्व एहसास की, 2017 की प्रेम या पहेली, 2017 की कोई लौट के आया है जैसी कई धारावाहिक का हिस्सा बने। इन दिनों भी ये टेलीविजन की दुनिया से जुड़े हुए हैं और अपने फैंस और अपने चाहने वालों को टेलीविजन के माध्यम से मनोरंजन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं सुदेश बैरी ऐसे ही और भी आगे भी मनोरंजन देते रहेंगे। थैंक यू सर। अगर मेरी बीवी आज मुझे हालत में देखती है तो कितनी सुधर जाती। बात अगर करें सुदेश बैरी के निजी जीवन की तो इनकी पत्नी का नाम सारिता है। इस शादी से उन्हें एक बेटा है जिसका नाम सूरज है। इनका बेटा भी अपने पिता की तरह ही दिखने में काफी हैंडसम है और सूरज की पर्सनालिटी भी काफी शानदार है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी बायोग्राफी एक्टर सुदेश बैरी की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी और इससे आप लोगों को सुदेश बैरी के बारे में जरूर कुछ नया जानने मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही बॉलीवुड के दुनिया के हैरतअंगेज कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्विट और बेल आइकन दबाना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे किसी और नई वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।